दादरा नगर हवेली में कापड़ी समाज द्वारा सिलवासा ग्राउंड पर 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 13 पुरुष और 4 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया था। समाज के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को मिले और जान पहचान एवं समाज में एकता बनी रहे, यही इस टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। टूर्नामेंट की फाइनल मैच वलसाड़ और सिलवासा की पुरुष टीमों के बीच खेली गई, जिसमें वलसाड़ की टीम विजेता रही और महिला में सिलवासा की महिला टीम विजेता हुई थी। विजेता और उपविजेता टीमों को उपस्थित समाज के अग्रणियों के हाथों ट्रॉफी देकर उन्हें प्रोत्साहित करने में आया था। काफी अच्छा बॉल बैट्समैन चुके, सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड खाते योजना आई है, जे आज 30મું વર્ષ है। कापड़ी समाज संभावना दृष्टि थी और युवा ने प्रोत्साहित करने दर वर्षे क्रिकेट टीम आयोजन करे छे। तो आ क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच संभावना रीते समाज दरेक तबक्का ने आग लईने એમાં વિમેન્સ ટીમ પણ હતી અને જેન્ટ્સ ટીમ પણ હતી, લગભગ 13 ટીમ જેન્ટ્સની હતી અને 3 ટીમ લેડીઝની હતી। અને એ આયોજન ખૂબ જ સુંદરપૂર્વક કાપડી યંગસ્ટાર ગ્રુપ દ્વારા સિલવાસા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં ફાઇનલમાં વિમેન્સ ટીમમાં સખી 11 ગ્રુપ અને વલસાડ 11 ગ્રુપ વચ્ચે રમાઈ હતી અને એની અંદર સખી 11 ગ્રુપ વિમેન્સમાં વિજેતા જાહેર થઈ હતી અને મેન્સ લીગમાં સિલવાસા 11 ડોકમાડી 11 અને વલસાડ 11 વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં વલસાડ 11 ફાઇનલ વિજેતા થઈ હતી। અને આ રીતે સંભાવનાની રીતે રમત રમીને ખૂબ જ સુંદરપૂર્વક આ આયોજન કરીને ખેલની સમાપ્તિ કરવામાં આવી।